हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ श्री? मंगला बहन, आपको भी कुछ अजीब लगा ना? तुमको भी श्री? मेरे मन का वहम होगा। ये वहम सबसे पहले दूर कर देना चाहिए। नहीं, ये कंगना से लड़ते लड़ते मेरी सारी शक्तियाँ कमजोर हो गई है। मुझे फिर से जुटाना होगा उन्हें। आप परेशान मत होइए मंगला बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री, मुझे लगता है हमने यहाँ डिनर का इंतजाम करके बहुत बड़ी गलती की है। क्यों भाभी? ऐसा लग रहा है जैसे जोर का तूफान आने वाला है। हम ये सब लेके नीचे ही चलते हैं। हाँ, जैसा आप ठीक समझे भाभी। जैसे ही ये सब लोग नीचे जाएंगे, मैं पूरे घर की जांच लूंगी। लेकिन कैसे मंगला बहन? अभी आपने कहा कि आपकी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगी हैं। तभी तो, आज गुरुजी की दी हुई चीज मुझे इस्तेमाल करनी ही होगी। कौन सी चीज मंगला बहन? वो एक ऐसी चीज है जो दुष्ट आत्माओं का पता लगा लेती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है मंगला बहन। कंगना को खुद हमने खत्म करके उसकी राग को संदूक में बंद करके रखी है। मैं वापस जरूर आऊंगी। हमें अपने मन की तसल्ली कर ही लेनी चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, इतना तूफान आया कैसे? जब तक लोग अपना काम कर रहे हैं, हाँ अपना काम कर लेते। जिन्ना, टेबल क्लॉथ। हाँ भाभी, लेके आती हूँ मैं। कौन हो तुम बेटा? तुम यहाँ कैसे आए? पर आप हमारे यहाँ कैसे आए? मंगला बहन, हम जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, वरना किसी ने देख लिया तो खामखा परेशान हो जाएंगे। ठीक है? हाँ हाँ, चलो चलिए। मंगला बहन, यहाँ सारे घर की तलाशी ले ली है श्री, बस ये ही कमरा बाकी है। तूने तो मुझे खामखा डरा ही दिया। मंगला बहन, हाँ, आपको कुछ मिला? हाँ, हाँ, नहीं। बड़ी बा, आप अपने पेट में थोड़ी जगह बचा के रखिए, क्योंकि मधु भाभी ने आपके मनपसंद गुलाब जामुन मंगाए हैं। तू फिकर मत कर और जल्दी से गुलाब जामुन मंगवा ले। दाया भाई, सुना जिग्ना से कहिए कि वो गुलाब जामुन ले आए। जिग्ना तो कभी से घर में नहीं है। अब तक नहीं आए? मैंने कब का भेजा था इसे गुलाब जामुन लाने के लिए? वो धीमी गति के समाचार है, आ रही होगी टहलते टहलते। दाया भाई, आप जरा जाके देख के आइए ना। ठीक है भाभी, जाता हूँ। भाभी, जिग्ना घर में आ गई क्या? नहीं तो, आपको नहीं मिली दाया भाई? काका हलवाई की दुकान और उसके आसपास की जितनी भी दुकान है सब में देखा, पर जिग्ना मुझे कहीं नहीं मिली। दाया भाई, आपने ठीक से तो देखा ना? हाँ भाभी। मधु भाभी, अब हम क्या करें? मैं अनंत से बात करती हूँ। ठीक है। अनंत, जिग्ना अब तक नहीं आई। पौने 12 बज चुके हैं और उसे गए हुए बहुत देर हो चुकी है। इतनी देर हो गई और वो अभी तक नहीं आई? सारी गलती मेरी ही है, मुझे उसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मुझे लगता है हमें पुलिस में इत्तला कर देनी चाहिए। तू ठीक कहता है, कल को बेकार में हमारे गले कोई मुसीबत पड़े, उससे बेहतर होगा कि हम खुद ही। लगता है जिग्ना आ गई। श्री भाभी, मैं देखता हूँ कौन आया। अरे, अचानक लाइट कैसे चली गई?